अयोध्या में छठे दीपोत्सव में सहभागिता करने वाले वॉलंटियर को अवध विश्वविद्यालय के सभागार में ट्रेनिंग दी गई, जहां अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर से दियों के बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा, जहां अवध विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के 22,000 वॉलंटियर दीपक जलाएंगे, जहाँ 15 लाख दिए राम की पौड़ी पर पहुँच चुके हैं और 17 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश होगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि बिना पास के किसी को भी राम की पौड़ी पर एंट्री नहीं मिलेगी और वॉलंटियर अपने तय सीमा में ही रहकर दीप जलाएंगे। दीपोत्सव जैसा 23 तारीख को संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक की गई है। जैसा हम सबको पता है कि उसमें लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की सहायता से वो दीपोत्सव संपन्न किया जाएगा। 21, 22 और 23 तीन दिन तक वॉलंटियर्स के उपयोग से दिया बिछाना, तेल लगाना और दिए जलाने का कार्यक्रम होगा। ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए बैठक बुलाई गई थी कि किस तरह से उनको अपना कार्य संपादित करना है। इसमें जैसा हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश शासन का, पर्यटन विभाग का और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा जो जिला प्रशासन है, सबके सहयोग से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रयास ये है कि इस बार ये अतुलनीय और अद्भुत हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए ये रखा गया है। 21 तारीख से दिया बिछाने का कार्यक्रम शुरू होगा और हमारा ये लक्ष्य है कि 21 और 22 डेढ़ दिन में हम दिया बिछाने का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे और उसके बाद उसमें तेल डालना, बाती डालना वगैरह सारा कार्यक्रम हमारा 23 तारीख की दोपहर तक पूरा हो जाएगा, ताकि शाम को सिर्फ दीप प्रज्वलन करने का ही कार्य बचा रहे। अलग अलग जो हमने लक्ष्य रखा है दिए प्राप्त करने का, अभी तक हमारे पास लगभग 15,000 दिए आ चुके हैं, एक दो दिन में बाकी भी दिए आ जाएंगे और हर जिले से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है और विशेष तरह के लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन को भेज रहे हैं, उनको भी हम उसमें प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसी के दृष्टिगत आज जो वॉलंटियर्स हैं हमारे बच्चे जो दीप जलाते हैं, उनकी ब्रीफिंग रखी गई थी। यहाँ पर जो सुरक्षा से संबंधित बिंदु है हमारे, उसके संबंध में हमने उनको अवगत कराया, उनसे किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है ये इस संबंध में उनको बताया गया और हमारे सुरक्षा प्रबंध किस तरह के रहेंगे इस संबंध में भी अवगत कराया गया है। बच्चों ने और हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए इस कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराएंगे। व्यवस्था हमारे जो बच्चे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो पास पे ही एंट्री पाएंगे। बच्चों को बता दिया गया है जो हमारा एंट्री पाने के बाद वही बंदे मतलब बच्चे वहां रहेंगे अंदर, उसके अलावा इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे। जो भी एरिया उनका लॉक किया गया है दिया जलाने के, उसी में बने रहेंगे। एक अनुशासन का प्रण इन्होंने भी लिया है और हमने भी जो व्यवस्था वहां पर की, उससे हम दोनों लोग मिलकर अच्छे से कार्यक्रम को